For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre TV. मुझे लगा था मेरा नंबर 12वां लगेगा. इन्होंने जल्दी बुला लिया लगता है. कबीर भाई, मधु, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको है. सबसे मुश्किल कैरेक्टर आपको महमूद जी को लाना पड़ेगा, केस्टो मुकर जी को लाना पड़ेगा, जॉनी वॉकर को लाना पड़ेगा. सिर्फ एक कैरेक्टर करने के लिए उनकी आत्माओं को बुलाना पड़ेगा और एक एक्टर में डालकर श्रीकांत का रोल करने के लिए. नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ना. और आप बाकी देख सकते हो, सब एक से एक बढ़ के हैं. आपको एक्टर बहुत ऑस्कर विनिंग और एक्टर ही लगेंगे सारी जगह पे. मैच में अगर फाइनल मैच देखा होगा तो मेरे सर पे बॉल लगता है यहाँ पे. मार्शल ने बाउंसर मारा, मुझे सर पे लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि सारी टीम ने ये डिसाइड किया कि इन्होंने सरदार के सर पे मारा क्यों ना. और सबको गुस्सा आ गया. और आधे तो पंजाबी थे तो उनको तो पता था कि कितनी अहमियत है सर की, सरदार के सर की, वो भी क्योंकि एक ही सरदार था जिसके पास ब्रेन थी. इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. लेकिन इनको पता नहीं था कि मैंने पैड पहने हुए थे और ब्रेन प्रोटेक्टेड थी मेरी. लेकिन जब हम फील्डिंग के लिए आए तो कपिल एज यूजुअल हमारी, पता नहीं इंग्लैंड में वो इंग्लिश ही बात कर रहे थे तो सभी को जैसे कहा और मेरे पास आए और कहा बलू वील कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर. तो मैंने पूछा वेयर. बोला मैंने पूछा वेयर क्योंकि कपिल ने अपने दिमाग में फील्ड लगा ली थी. मुझे नहीं पता था कि वो दिमाग में फील्ड कहाँ कहाँ लगाई है, फील्डर कहाँ कहाँ. तो इनको लगा मैं मस्ती कर रहा हूँ. सरदार तू सीरियस हो जा. बोला मैं सीरियस ही हूँ. अभी वो 183 में कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं तो सीरियस ही होना पड़ेगा. अरे तो मस्ती तो कर नहीं सकते वहाँ पे इतने शॉर्ट. तो जब भी फिर एक इंस्ट्रक्शन थी उसके बाद में, मतलब इन्होंने बताया कि हाँ यहाँ फील्डर में ठीक है. तो एक काम करी, देखी संदीप कितने फील्डिंग कर रहा है. बोला वो क्यों. बोलता है नहीं अगर संदीप फाइन लेग में होगा तो सिर्फ आउटस्विंग डालना, और अगर संदीप थर्ड मैन में फील्डिंग करता होगा तो इनस्विंग मारना. तो मोहला कैप्स ये क्यों. बोलता नहीं संदीप के पास बॉल गया तो मैच हार जाएंगे. मेरे यार ने बिल्कुल सही कहा और ये एक दूसरा राज है जो वर्ल्ड कप हमने जीता, क्योंकि कपिल ने इतनी अच्छी कप्तानी और इतनी अच्छी फील्डिंग लगाई थी, पूरे वर्ल्ड कप में मेरे पास एक भी गेंद नहीं आई. एक गेंद आई थी वर्ल्ड कप में इसके पास. अगर लॉर्ड्स का साइड देखो तो पवेलियन के साइड पे ना थोड़ी स्लोप है ऊपर, तो आई थिंक लॉयड ने शायद मारा स्ट्रेट ड्राइव, ये मिड ऑफ पे था. संदीप भागा, फिर देखा यार बॉल तो बहुत तेज है, नहीं पकड़ पाऊंगा, जान दे चौका. तो बॉल ऊपर गई ऐसे और वहाँ ऊपर जाके फिर से नीचे आ गई. तो बाउंड्री को टच नहीं हुई, फेंस को टच होती तो बाउंड्री है, ऊपर जाके नीचे आई. जैसे नीचे आई संदीप जोर से भागा. तो और गॉर्डन ग्रीन अभी भी वहां खड़ा है, देख रहा है कि बॉल गया कैसे अंदर. नहीं वो तो दिमाग चलने लग गया ना, बॉल सर पे लगता है तो. नजब बरे कान पे बॉल लगा तो मुझे सारी टीचरें याद आ गई जिन्होंने मेरे कान के नीचे मारा था, और मेरी पढ़ाई में अच्छी होने लग गई उसके बाद में. तो दिमाग तभी चलता है सरदारों का जब थोड़ा एक फटका मिल जाता है तो दिमाग चलने लग जाता है. और ऐसे भी
हम पंजाबी पहले कर देते हैं और फिर सोचते हैं यार ऐसे क्यों किया। तो मैंने भी बाउंसर मार दिया, मदी भाव बोलते भी थे नहीं मारना, फिर भी मार दिया। और फिर बाद में सोचा कि नहीं मारना चाहिए था यार, साथ छक्को छक्का छक्का चले गया। थैंक्स, बट वी हैड ए ग्रेट टाइम एंड आई थिंक यहाँ पे जो भी ना एक्सेप्ट रॉजर जिसने सारा सच बोला है, बाकियों का आप 70-80% डिस्काउंट दे सकते हो। थैंक यू।